सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय डिटरमिनेंट, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय डिटरमिनेंट है, कंग्रेचुलेशंस। इफ यू हैव डिटरमिनेंट यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन लीनियर इक्वेशंस है, कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसको आप डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इधर देखिए, अरे इधर देखो, इधर कोई लीनियर इक्वेशन है उसको आप डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड है ना, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड ये सब यूज करते थे, ठीक है। यहाँ पर आप जो है डिटरमिनेंट से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इक्वेशन का, डिटरमिनेंट से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो डिटरमिनेंट से कैसे निकाला जाता है ये चीज देखिए, इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक्स वाई जेड में इक्वेशन दिया गया, तो देयर आर थ्री अननोन्स एक्स वाई जेड है, a1x plus b1y plus c1z equal to d1 is first equation है, a2x plus b2y plus c2z equal to d2 second equation है, a3x plus b3y plus c3z equal to d3 third equation है। तो देर आर थ्री अननोन्स एंड थ्री इक्वेशन ना, तो टू फाइंड थ्री अननोन्स वी नीड थ्री इक्वेशन जो कि दिए रखा है। अब इसकी हेल्प से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके निकालने में क्या करते हैं, निकालने के लिए जो है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का एक डिटरमिनेंट बनाएंगे है। इसमें जो है फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो बनाएगा, क्या बनाएगा, डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो। सेकेंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है डिटरमिनेंट का सेकेंड रो बनाएगा, ठीक है। और थर्ड रो में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट डिटरमिनेंट का थर्ड रो बनाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं, एक्स वाई जेड से जो है एक्स वाई जेड से एक आपका डिटरमिनेंट बनेगा, ठीक है। और इसके बाद किसके बराबर होंगे, इसके बाद जो है d1 d2 d3 के बराबर, ठीक है। आप देखिए कि डिटरमिनेंट को किससे दिखाएंगे, डेल्टा से दिखाएंगे है, और ठीक है। तो आप देखिए जैसे हम इसका सलूशन मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब चेक करेंगे पहले, ठीक है। तो ये जो है ये क्वेश्चन आपका क्या कहलाएगा बताओ, इसी को पहले पॉइंट पर इसी को पॉइंट पहले एंटर करेंगे, ठीक है, उसके बाद सलूशन देंगे पर। तो देखिए जैसे पहला पॉइंट है इसे d1 इज नॉट इक्वल टू 0 और d2 इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, और d3 इज नॉट इक्वल टू 0, d1 d2 में से कोई एक जीरो नहीं है, या जीरो जीरो नहीं, ठीक है। तो उस केस में ये क्वेश्चन क्या कहलाएगा, नॉन होमोजेनियस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगा। d1 d2 d3 एनी वन ऑफ देम इज नॉट जीरो और ऑल ऑफ देम इज नॉट जीरो है, देन गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस। ये क्वेश्चन क्या कहलाएगा है, नॉन होमोजेनियस कहलाएगा, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। तो नॉन होमोजेनियस कहलाता है, नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस इसलिए कह रहा है कि ये इधर कांस्टेंट, इधर क्या है कांस्टेंट है, तो वेरिएबल पर कितनी पावर है, वो कांस्टेंट है तो वेरिएबल पर जीरो पावर है ना, जीरो पावर। तो राइट साइड पर कितना पावर है, जीरो है, लेफ्ट साइड में वेरिएबल पर कितना पावर है, वन, लेफ्ट साइड में वेरिएबल पर वन पावर है, राइट साइड में वेरिएबल क्या है, जीरो ना, तो पावर सेम नहीं है, पावर क्या है, वो साइड सेम नहीं ना, इसलिए नॉन होमोजेनियस हो गया, ठीक है। पहले अगर जैसे मानते हैं सेकंड पार्ट है, जैसे d1 d2 d3 ये ऑल आर जीरो, ये सभी जीरो, सभी क्या है, जीरो है। तो जब सभी जीरो होंगे तो क्या कहलाएगा, होमोजेनियस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगा। और ये अगर इस टाइप से इक्वेशन है a1x + b1y + c1z = 0, a2x + b2y + c2z इक्वल टू क्या, जीरो, a3x ठीक है प्लस b3y और प्लस c3z की वैल्यू क्या है, ये क्या कहलाएगा, होमोजेनियस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, होमोजेनियस, क्योंकि यहाँ पर 0 टू x ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 0 टू x ना, x पर एक पावर है, या 0 टू y ले सकते हैं, y पर एक पावर है, 0 टू z ले सकते हैं, z पर एक पावर है ना, और लेफ्ट साइड में भी एक पावर है, लेफ्ट साइड में इस तरह क्या एक पावर है ना, वैल्यू पर, राइट साइड में वैल्यू पर
सॉल्यूशन निकालने क्या मेथड है। चलिए देखें इसके लिए क्या करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना है, डिटरमिनेंट इज 1 बाय कोएफिशिएंट ऑफ x बाय z, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक है। ये चीज आपको है, और इसमें जो है जैसे डेल्टा वन निकालने के, डेल्टा वन कैसे बनता है, डेल्टा वन बनाने के लिए इधर देखो, अरे डेल्टा वन कैसे बनाना है, कैसे बनाने के लिए, अरे डेल्टा वन बनाने के लिए क्या करोगे बोलो, डेल्टा वन जैसे लिखना है तो डेल्टा वन बनाने के लिए अब जो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लेते हैं, फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे, डेटा का फर्स्ट कॉलम हाइड कर लिया जाएगा, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, इसके प्लेस पर जो है डी वन डी टू डी थ्री आ जाएगा, डी वन डी टू डी थ्री, डी वन डी टू डी थ्री, और नेक्स्ट कॉलम आपके ए डी बना लेंगे, डी वन डी टू डी थ्री सेवन सी टू, ठीक है। मैंने डेटा में लिखना है कि एक्स के कोएफिशिएंट हट जाते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, उसका प्लेस कौन ले लेता है, उसका प्लेस जो है कांस्टेंट ले लेता है, उसका प्लेस क्या ले लेता है, कांस्टेंट। अब इसे डी टू लिखना है, डी टू लिखना होगा क्या करेंगे, डी टू लिखने के लिए वाई के कोएफिशिएंट हट जाएंगे, जब डी टू लिखना होगा क्या करेंगे, वाई कोएफिशिएंट हटा देंगे, तो वाई का कोएफिशिएंट आपका क्या डी वन डी टू डी थ्री, माना सेकंड कॉलम हट जाएगा, क्या जाएगा, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम हट जाएगा, और इसका प्लेस कौन ले लेगा, कांस्टेंट डी वन डी टू डी थ्री ले लेगा ना, इस टाइप से सेकंड कॉलम आपका बन जाएगा डी वन डी टू डी थ्री, और फर्स्ट कॉलम जैसे तो उसे लिखा जाएगा ए वन ए टू ए थ्री, और थर्ड कॉलम जैसे तो उसे लिखा जाएगा सी वन सी टू सी थ्री। अब इस टाइप से डेल्टा थ्री निकालेंगे, तो डेल्टा थ्री कैसे निकालेंगे, इसे जो है जेड के कोएफिशिएंट हटाते हैं, जेड के कोएफिशिएंट है, तो जेड के कोएफिशिएंट हटा दीजिए, इसके प्लेस पर आपका कांस्टेंट आ जाएगा, मैंने डी वन डी टू डी थ्री आ जाएगा, इस टाइप से क्या हो जाएगा, डेल्टा थ्री हो जाएगा ए वन ए टू ए थ्री, ए वन ए टू ए थ्री, और बी वन बी टू बी थ्री, ठीक है, और सी वन और सी वन सी टू सी थ्री प्लस डी वन डी टू डी थ्री, डी वन डी टू हो जाएगा ना, ठीक है, ये होता है। अब देखिए आप इसमें सोल्यूशन कैसे करते हैं, हाँ सोल्यूशन ये तो आपका डेल्टा वन डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री हो गया, सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं आता, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आता है, तब फिर क्या होगा बताओ, तब ये सोल्यूशन देगा, तब क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा इस केस में, ठीक है, या इसको यूनिक सोल्यूशन मिलता है तो हम ट्राई वे सोल्यूशन भी कहेंगे, इसको ट्राई वे सोल्यूशन जैसे करते रहता थोड़े इक्वेशन के ट्राई वे सोल्यूशन है, तो आपको ये यूनिटी दिखाना, यूनिटी दिखाना, ठीक है, तो एक ट्राई वे सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ट्राई वे सोल्यूशन या वन सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन देगा, ठीक है। और ये जो है जब जब इक्वेशन के सोल्यूशन मिलते हैं, एक मिलेगा या एक से ज़्यादा मिलेगा, तो क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट है, तो कभी कभी रहता है छोटे इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट में आपको एक डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं आती है तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा जैसे एक इक्वेशन के सोल्यूशन, एक इक्वेशन के सोल्यूशन है, अब सोल्यूशन में भी यूनिक में भी इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट के केस में डेटा वैल्यू जीरो, ठीक है, तो अगर पैनल कंसिस्टेंट आप तभी कहिएगा जब ये सोल्यूशन देगा, ठीक है, तो इफ इक्वेशन गिव सोल्यूशन देन इक्वेशन आर इक्वेशंस आर सेड टू बी कंसिस्टेंट, जब इक्वेशन क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट कहलाएंगे, इस केस में आपको कंसिस्टेंट मिलेगा, ठीक है। अब सेकंड आ जाइए, जैसे डेल्टा की वैल्यू मानते जीरो आ गया, डेल्टा वैल्यू जीरो आ गया, ठीक है, तब इसमें दो केस अराइव होगा, इसमें दो केस बनेगा, एक नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन केस बनेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट,
consistent. They are non-trivial. Non-trivial color. ठीक है, inconsistent, non-trivial color है. ठीक है, ये कब possible, ये कब होगा? जब delta one is not equal to zero, delta two not equal to zero, delta three not equal to zero. Any one of them is not equal. डेटा वन डेटा टू डेटा थ्री में से कोई एक जीरो नहीं होगा. ठीक है, तब फिर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. लेकिन अगर सभी जीरो होते हैं, है, अगर सभी जीरो होते हैं बी जैसा दे, तो मतलब डेटा वन जीरो हो गया, डेटा टू भी जीरो हो गया और डेटा थ्री भी जीरो हो गया, तब फिर क्या हो जाएगा? तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा. क्या मिलेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा. इन तब केस वो केस होगा जब दोनों लाइन कंसाइड कर दिए, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, और जब सॉल्यूशन मिल जाए तो कंसिस्टेंट हो गया. कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट होगा. कंसिस्टेंट होगा, डिपेंडेंट होगा, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा, वो वैल्यू उसी कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा. ठीक है, और यहाँ क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है. यहाँ जो वैल्यू होती है इंडिपेंडेंट होती है. जब नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो इंडिपेंडेंट होता है. तो ये आपका ट्राइवल, ये तो ट्राइवल हो गया, ट्राइवल हो गया. ठीक, कंसिस्टेंट हो गया और मैंने इसकी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, डिपेंडेंट होगा. ये केस इसे बनते हैं. ठीक है, चलिए अब फिर आप इस सॉल्यूशन करके